तैयार है मिर्ची का पाउडर। अब हम धनिया जीरा और काली मिर्च का भी पाउडर बना लेंगे। धनिया भी पाउडर हम तैयार कर लिए, अब इसको हम एयर टाइट डब्बा में रख देंगे बंद करके। तो तैयार हो गया फ्रेंड्स घर में बना हुआ मेरा जीरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन पूनम सिंह रेसिपी। तो मैं पूनम आज सब मसाला तैयार करके रख रही हूँ। दीपावली है, साफ़ सफाई में बहुत टाइम लग जा रहा है, तो पहले हम और सारा व्रत त्यौहार भी अभी आ रहा है, तो पहले हम मसाला ही तैयार करके रख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हम ले लिए हैं 100 ग्राम काली मिर्च, 250 ग्राम हम ले लिए हैं जीरा, हाफ के जी हम ले लिए हैं धनिया। तो इसमें सारा हम मिला देंगे, सबको हम साफ़ करके अच्छी तरह धूप में सुखा दिए थे। तीनों मसाला को हम एक में मिला देंगे और इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से है कि मसाला ख़राब नहीं होता है, आप 6 महीना से साल भर तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इतना मसाला मेरा 1 साल तक चला जाता है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। कढ़ाही गर्म है, इसी में हम डाल देते हैं सारा मसाला जो रोस्ट हो जाएगा। ज़्यादा देर नहीं इसको भुनना है, बस हल्का गर्म हो जाए और थोड़ा सा फ्रेग्रेंस आने लगे धनिया जीरा का भुनने का, बस हम गैस को बंद कर देंगे। मसाला देखिए रोस्ट हो गया और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी। तो इसको हम गैस को बंद कर देंगे और जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीसेंगे ताकि इसमें भाप नहीं बने, नहीं तो मॉइस्चर रहेगा तो फिर मसाला ख़राब हो जाएगा। मिर्च को हम धूप में सूखने रख दिए हैं, अब इसका डंठल तोड़ेंगे और इसको भी अलग से पीसेंगे हम। मिर्चा ले लिए हैं हम पीसने के लिए, इसका डंडी तोड़ देंगे। धूप में बहुत अच्छी तरह से सूख गया है ये, इसका डंडी तोड़ तोड़ के हम रखते जाएंगे और तब पीसेंगे। बाहर दुकान वाले तो डंडी के साथ भी पीस देते हैं जो नुकसानदायक होता है। इतना मिर्च को हम क्रश किया हुआ मिर्चा का पाउडर बना लेते हैं, जो हम किसी भी चीज़ में कुटी हुई मिर्ची को डालते हैं तो उसके लिए भी हम घर में ही बनाकर इसको रखते हैं। ये भी क्रश किया हुआ मिर्चा भी हम तैयार कर लिए। अब हम पाउडर बना लेंगे मिर्च का, ये भी हम एयर टाइट डिब्बा में बंद करके रख देंगे। आप चाहें तो थोड़ा और मोटा टुकड़ा रख सकते हैं। मिर्चा का सारा डंडी हम साफ़ कर लिए, अब इसका हम एक अच्छा चिकना पाउडर बना कर रख देंगे। इसी जार में हम सारा मिर्च डाल देंगे, एक साथ आसानी से सारा मिर्च का पाउडर बन जाएगा। इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच के अंदाज सरसों का तेल, इससे है कि मिर्चा सरकता नहीं है पीसते समय। तो पाउडर बन गया देखिए आप लोग, और बिल्कुल नहीं खांसी किया, ये उड़ता नहीं है मेन तेल डालने से, और झिल्ली भी नहीं लगती है लंबे समय तक। तो इसको हम निकाल देंगे और एयर टाइट डब्बा में हम भर कर रख देंगे इसको। तैयार है मिर्ची का पाउडर, अब हम धनिया जीरा और काली मिर्च का भी पाउडर बना लेंगे। धनिया भी पाउडर हम तैयार कर लिए, अब इसको हम एयर टाइट डब्बा में रख देंगे बंद करके। तो तैयार हो गया फ्रेंड्स घर में बना हुआ मेरा जीरा धनिया और काली मिर्च का पाउडर, और ये है लाल मिर्च का पाउडर, ये भी दोनों तैयार हो गया। इसको एयर टाइट डब्बा में रखकर आप महीनों यूज कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा, मसाला भी ख़राब नहीं होगा, झिल्ली भी नहीं लगेगी क्योंकि शुद्ध बना हुआ है एकदम घर का, सुखा कर रोस्ट करके। और ये जो मोटा टुकड़ा बच गया है मिर्चा और धनिया का, इसको हम क्या करेंगे कि पानी में फुला देंगे 2-3 घंटा, और अदरक लहसुन के साथ हम इसका एक मसाला बनाकर पेस्ट बनाकर तैयार कर देंगे, उसको भी हम यूज कर लेंगे सब्जी भुजिया में। तो कैसी रही है हमारी मसाला वाली रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। फिर मिलेंगे हम अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।